नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इनफ्लेक्स चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शन लगाने के बारे में। कितने तरह के इंटरनेट कनेक्शन आते हैं, कितना खर्चा आता है, किस तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसके फ़ायदे और नुकसान रहेंगे, कितनी डाउनलोडिंग स्पीड, कितनी अपलोडिंग स्पीड रहेगी, क्या इसके मंथली प्लान है, क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस है, क्या आपके घर में ये लग पाएगा, क्या नहीं लग पाएगा, कहाँ पे लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है, कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, किससे बात करनी पड़ेगी, ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है स्पेशल, इसमें हर तरह के इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे, चाहे वो फाइबर कनेक्शन हो, चाहे वो इथरनेट कनेक्शन हो, चाहे वो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, लैंड कनेक्शन के साथ मिलता हो, चाहे वो एक कोएक्सल वायर के थ्रू मिलने वाला कनेक्शन हो, चाहे वो एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट राउटर जो छत पे एक छतरी लगती है उसके थ्रू मिलने वाला हो, या फिर एक 4G इंटरनेट कनेक्शन हो, ये सारे कनेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला जो सवाल है यही है भी कितने तरह के इंटरनेट कनेक्शन आते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, फाइबर इंटरनेट कनेक्शन, इथरनेट, लैन केबल की तरह लैन केबल से चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि घर में आपके लैन केबल आएगी। पहले ऑप्शन फाइबर ऑप्टिकल की है, यानी कि आपको एक फाइबर ऑप्टिकल केबल आपके घर में या आपकी लोकेशन पे आएगी। तो उसमें एक जीपोन, एक्सपोन या कुछ ऐसे टाइप के राउटर लगते हैं जिसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल लगती है, उसके बाद वाईफाई और लैन आप एक्सेस कर सकते हैं अपने घर में। और तीसरा जो कनेक्शन है वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो कि BSNL प्रोवाइड कराता था, या एयरटेल, या जो भी लैन कनेक्शन साथ में लगाते थे वो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें एक ADSL राउटर वो देते हैं, टेलीफोन का पोर्ट होता है, साथ में इथरनेट के पोर्ट होते हैं, तो हम उससे वाईफाई और इंटरनेट, लैन सब कुछ चला सकते हैं। तो तीसरा जो कनेक्शन है वो है वाईफाई कनेक्शन, एक्सेस पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के घर के ऊपर आपने देखा होगा एक डिश लगी रहती है, छतरी लगी रहती है, या फिर एक एक्सेस पॉइंट राउटर लगा रहता है CP। तो उसमें क्या होता है, अभी एक उनके मेन स्टेशन से लेकर आपके घर तक जो है वायरलेसली पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है। इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, मेन सर्वर भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस तरह से भी कनेक्शन आप ले सकते हैं। और साथ में लास्ट में हम बात की जाए, जो हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, वो है 4G का कनेक्शन। तो ये सारे कनेक्शंस को कैसे लगाया जाता है, कैसे आपको मिलेगा, कैसे आप बात करेंगे, कहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। 4G में जैसा कि आपको बताया है, अभी आप घर में एक 4G राउटर लेते हैं जिसमें सिम लगाते हैं, वही डाटा प्लान जो आप नॉर्मल सिम में रिचार्ज कराते हैं अपने मोबाइल में, उसी तरह से 1 GB, 2 GB, 5 GB या इकट्ठा 25, 50, 150, 200, 500 GB आप इकट्ठा ले सकते हैं टेलीकॉम का रिचार्ज करा के, वो जो है आप यूज़ कर सकते हैं वाईफाई और इंटरनेट पोर्ट्स के साथ। तो ये सारे कनेक्शन थे, तो बारी बारी से बात करेंगे इनको कैसे लगाया जाता है, इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं और किसके कितने फ़ायदे हैं, वो सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये था पहला सवाल, जिसमें किस तरह के, कितने टाइप के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। तो दूसरा जो सवाल है वो है भी आप कैसे इस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये कनेक्शन लगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके शहर में, गाँव में, या कहीं पर भी आप जहाँ पर रहते हैं, तो आपके वहाँ पर कंप्यूटर डीलर, CCTV डीलर, या फिर CSC सेंटर, गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे कोई टेलीकॉम का ऑफिस, एक्सचेंज, BSNL एक्सचेंज, तो इस तरह के ऑफिसेज तो होंगे ही, चाहे आप गांव में हो तभी BSNL एक्सचेंज होती है, या फिर CSC सेंटर होते हैं, लोक मित्र केंद्र होते हैं, या फिर कंप्यूटर की शॉप होती है छोटे मोटे, या आप अपने घर में छत पे जाके, या आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा मतलब लोगों से पूछ के जो इंटरनेट सर्विसेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनसे आप बात करके पता कर सकते हैं भी आपके एरिया में कौन कौन से इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हैं। तो जो फैसिलिटी मैंने आपको बताई है वही फैसिलिटी आपको पता करनी है, उनमें से कोई एक भी मिल सकती है आपको। तो इस तरह से आप पता करेंगे और उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे कनेक्शन लगाने के लिए। जैसे एक और जगह पर आप बात कर सकते हैं, जैसे कि घर में अगर आपके पास कोई केबल TV कनेक्शन प्रोवाइडर है जिनका अपना सेट ऑफ बॉक्स TV के साथ अटैच किया हुआ है, तो वो ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिकल में काम करते हैं और इंटरनेट कनेक्शन वालों को जानते हैं, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जी भाई साहब, भी जो आपको घर में टेलीफोन, जो घर में आपके TV का कनेक्शन दे रहे हैं लोकल, जो TV सेवाएँ दे रहे हैं घर में लोकल, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं कनेक्शन वालों से भी, हाँ भी इंटरनेट कनेक्शन लगाना है तो कौन सा लगवा लें, क्या प्लान है और कितने चार्जेस लगते हैं। तो वो लोग आपको उनका अपने प्लान बताएंगे जिसमें आपको महीने का जैसे 300 रुपये से लेकर जितने मर्जी पैसे, जितना आप खर्चना चाहते हैं उतने तक आप प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको एक लिमिटेड स्पीड या फिर लिमिटेड डाटा मिल सकता है। जैसे मान लो 300 रुपये के प्लान में आपको मिल जाता है 10 MBPS की स्पीड और डाटा मिल जाता है 100 GB, तो
तो इस तरह के प्लान्स बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर आपको 300-400 रुपये में अनलिमिटेड प्लान भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है आपको 1000 रुपये में अनलिमिटेड प्लान मिले लेकिन डाटा स्पीड रहे 10-20 MBPS या 50 MBPS, 100 MBPS, 200 MBPS, 500 MBPS भी हो सकती है। जैसे जियो फाइबर लगाते हैं तो जियो फाइबर में लगभग हमारे को 400 रुपये से लगभग 400 से लेकर जो है प्लान शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारे को 50 MBPS स्पीड शुरू हो जाती है। 100 MBPS वाले भी आते हैं, 200 MBPS वाले भी आते हैं और 500 MBPS वाले भी आते हैं। उसी तरह एयरटेल वाले भी हैं, एक्साइटल कंपनी है, बहुत सारे लोकल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि फाइबर पे भी देते हैं, लैन पे भी देते हैं, और वायरलेस छतरी जो आपके घर के छत के ऊपर लगती है CP राउटर वो भी लगाते हैं। 4G कनेक्शन तो आपको खुद से ही लेना पड़ता है, अपनी ही सिम डालनी पड़ती है राउटर में। तो ये मतलब तरीके हैं कनेक्शन लगवाने के लिए घर में। या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ISP लिख के, या इंटरनेट लिख के, या ब्रॉडबैंड लिख के गूगल में आप अपने मैप में लिख सकते हैं, और उससे आपको आपके लोकल जो कॉन्टैक्ट डीलर्स हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं भी आखिर कौन कौन से इंटरनेट कनेक्शन आपके गांव में आपके शहर में उपलब्ध हैं, और उनसे कॉन्टैक्ट करके आप प्लान जान के, उनकी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह जान के आप अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं। तो ये बात थी मतलब कैसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। उसके बाद अगला सर जो सवाल है, तो ये कनेक्शन लेने पर कौन सा राउटर लेना पड़ेगा, ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन इस सवाल का सीधा सा जवाब है, जो जिससे आप कनेक्शन लेने वाले हैं वही आपको गाइड करेगा भी हाँ ये राउटर लगेगा, ये मॉडम लगेगा। हो सकता है मैक्सिमम जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ISP होते हैं वो एक अपना खुद का एक राउटर देते हैं जिससे उनकी कंपैटिबिलिटी ठीक ठाक होती है, अच्छी स्पीड मिलती है, मैनेजमेंट होती है उनकी पूरी, प्रॉपर कनेक्शन बन जाता है। जैसे फाइबर के लिए फाइबर वाले एक्सपोन GPON वाले अपने खुद का एक मॉडम राउटर देंगे आपको, जिसमें वाईफाई और लैन दोनों मॉडल में होते हैं, और 2.4 GHz और 5 GHz वाले मॉडल भी होते हैं जिसमें आपको अच्छा वाईफाई कवरेज मिल सकती है। हो सकता है ना भी मिले तो आपको एक्स्ट्रा राउटर लगाने के लिए वो आपको दे सकते हैं एक्स्ट्रा राउटर, या अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा राउटर है तो वो भी आप उसके साथ अटैच करवा के लगवा सकते हैं। तो ये बात ही मतलब जो है राउटर फाइबर के लिए रहता है, ADSL के लिए जो जिसमें टेलीफोन की केबल आती है तो ADSL के राउटर रहते हैं, BSNL एयरटेल वगैरह जो आपके घर में टेलीफोन कनेक्शन लगाते हैं लैंडलाइन वाला उसके साथ वो कनेक्शन मिल जाता है, जिसमें आपको लगभग अनलिमिटेड प्लान मिल जाते हैं, जिसमें कोई ऐसा लिमिट वाली ज़्यादा बात नहीं होती, जिसमें 100 GB 300 GB तक जो है मिल जाता है। उसके बाद फिर डाटा स्पीड जो है थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे प्लान ब्रॉडबैंड के हमारे शहर में शुरू से ही चलते आ रहे हैं और भी गाँव में वे उपलब्ध हैं। अब तो गाँव में फाइबर ऑप्टिकल की सेवाएँ भी उपलब्ध हो रही हैं, जैसे BSNL है या लोकल प्रोवाइडर भी धीरे धीरे जो है गांव में पहुंच रहे हैं, और एक एयर फाइबर जो हम बता रहे हैं ना Wi-Fi to Wi-Fi पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, उसके लिए भी जो है आप जो है एक नॉर्मल राउटर घर में तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सर्विस प्रोवाइडर भी वैसा ही एक्सेस पॉइंट जो है छत पे लगाने वाला भी वो खुद ही देते हैं। तो पहली बात आई फाइबर के लिए, तो फाइबर वाला वो खुद देंगे या फिर आपको सजेस्ट करेंगे भी इस कंपनी का लग सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं भी जिस स्टैंडर्ड में उनका है, GPON है या EPON है या XPON है, वो बता देंगे, उस हिसाब से आप XPON और GPON खरीद सकते हैं। 5 GHz 2.4 GHz वाला फाइबर, 1 GBPS वाला या 100 MBPS वाला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहले आपको अपने कनेक्शन वाले से बात करनी पड़ेगी भी हाँ भी क्या आप हमारे को स्टैंडर्ड बताएंगे GPON है या EPON है, तो ये बात होती है। उसके बाद ADSL वालों से भी बात कर सकते हैं भी हाँ भी ADSL जो है हम अलग से खरीदें या नहीं खरीदें, हो सकता है वो कनेक्शन दें नहीं दें, कई बातें होती हैं, तो उनका अपना राउटर जरूरी होता है, तो पहला राउटर उनसे ही लगवाना पड़ता है सभी कनेक्शन वालों से ज़्यादातर। और फिर फाइबर ऑप्टिकल फिर बात करें पॉइंट टू पॉइंट वाईफाई के लिए, तो उसमें हो सकता है भी छत पे वो अपना राउटर लगाएं, या हो सकता है आपके पास वैसा एक्सेस पॉइंट राउटर हो तो वो अपने उसके साथ, जैसे 5 GHz वाला एक्सेस पॉइंट राउटर आता है आउटडोर वाला, तो वो आपको उसके साथ कनेक्ट करके नीचे एक्स्ट्रा राउटर जो अगर आपके पास है तो वो भी वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके बच जाती हैं। नॉर्मल फाइबर कनेक्शन में जो है लगभग 1500 से लेकर 5000 रुपये तक कनेक्शन के इंस्टॉलेशन चार्ज लगते हैं, जैसे जियो का भी है, एयरटेल फाइबर का भी है, और उनके राउटर मॉडम काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि उसमें सेट ऑफ बॉक्स D2H वगैरह जो है कनेक्शन लग जाते हैं। तो ज़्यादातर इंटरनेट कनेक्शन जो मैं बता रहा था, इंटरनेट कनेक्शन वाले जो राउटर हैं वो इंटरनेट कनेक्शन वाले खुद ही देते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा राउटर लैन एक्सटेंड करने के लिए वाईफाई एक्सटेंडर टाइप जो है आप खुद का लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप घर में एक वाईफाई कनेक्शन लगा सकते हैं, फाइबर का, ADSL का, एक्सेस पॉइंट का, और 4G के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं आई बटन में। एक कंप्लीट वीडियो है 4G डिवाइसेस की जो कि आई बटन में है, जिसमें मैक्सिमम सारे 4G डिवाइसेस की हमने जो है वीडियो बनाई हुई है, तो आप दे सकते हैं, उनके प्राइस वगैरह सब कुछ बताए हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो सभी डिवाइसेस के हमने आपको प्राइजेज और लगभग जो है उनके जो है बता दिए कैसे आपको मिलेगा। ADSL राउटर जैसे बात की जाए तो लगभग 1000 से लेकर जो है 3-4000 रुपये तक आ जाते हैं, क्योंकि उसमें भी 5 GHz और गीगाबिट और ज़्यादा वाईफाई रेंज वाले आ जाते हैं। तो इस तरह से 1000 से 3-4000 रुपये तक आते हैं, और फाइबर की भी बात की जाए तो वो भी 1000 से लगभग
3-4 हज़ार रुपये तक आ जाते हैं सभी तरह के, मतलब जो है जो भी कनेक्शन लेते हैं। लेकिन एयरटेल और अगर कोई स्पेशल कंपनी का ही इंटरनेट कनेक्शन है, जैसे एयरटेल है, जियो फाइबर है, या और भी अच्छी अच्छी कंपनी है जो टेलीफोन प्लस टेलीविज़न प्लस इंटरनेट जो है सब कुछ प्रोवाइड करा रही है, तो उनका अपना राउटर लेना पड़ता है, उनके अपने राउटर से ही टेलीफोन और टीवी वगैरह सब कुछ अटैच हो पाएंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन थे, और उनकी जो खर्चा लगभग 2,500 से लगभग 5,000 रुपये के बीच में रहता है कंपनी का जो है, जैसे एयरटेल है या जियो फाइबर वगैरह उनका खर्चा है। तो अगर बात की जाए प्लान्स की, तो प्लान्स की बात की जाए तो प्लान्स नॉर्मल जो है 300-400 रुपये से लेकर जो है लगभग 3-4 हज़ार रुपये तक अच्छे प्लान मिल जाते हैं। लगभग कई जो प्लान है 10-12 हज़ार रुपये तक भी आते हैं, जिसमें ज़्यादा MBPS और ज़्यादा डाटा मिल जाता है। तो इस तरह से आपके बजट के हिसाब से आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात की जाए तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है लगभग अगर आप 6 महीने का इकट्ठा कनेक्शन लगाते हैं या साल का इकट्ठा प्लान ले लेते हैं, जैसे आप इकट्ठा पैकेज इकट्ठा जो है पैसा दे सकते हैं 6 महीने या साल का, तो उसमें आपको 6 महीने पे शायद 1 महीने का फ्री मिल जाएगा और साल में 2 महीने भी फ्री मिल सकते हैं, और साथ में आपको इंस्टॉलेशन भी फ्री मिल सकती है। तो इस तरह से आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए 4G के लिए तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अगर आप साल का इकट्ठा लेते हैं, जैसे रिचार्ज है, जैसे 2300 रुपये का कुछ रिचार्ज है, जियो में भी है, एयरटेल में भी है, वोडाफोन वगैरह में भी है, तो उसमें आपको 300-400 GB इकट्ठा मिल जाएगा और साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। हॉटस्टार वगैरह और OTT प्लेटफॉर्म में भी आपको एक्सेस मिल जाएगा उसी रिचार्ज में। तो वो भी मतलब जो है इस तरह से हमने प्लान्स और इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में डिस्कस कर दिया है अब इस वीडियो में। और 4G की बात की जाए तो क्या आपको एंटीने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल एंटीना से ज़्यादा अच्छी कवरेज मिलती है, तो ये एक वीडियो है जिसमें हमने आपके सवालों का जवाब दिया है भी कहाँ पे एंटीने की जरूरत है कहाँ पे नहीं है, तो आप दे सकते हैं। उसमें आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है साथ में पता लग जाएंगे, क्योंकि एंटीने की कॉस्ट जो है बताई हुई है। अब इन सब प्लान्स के ऊपर जो इंटरनेट स्पीड हमारे को मिलेगी वो हम बताते थे आपको किस टाइप की है। अगर आप फाइबर कनेक्शन लेना चाहें तो लगभग आपको 20 MBPS से लगभग 500 MBPS तक जो है 1 GBPS तक जो है आपको प्लान्स मिलते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी स्पीड मिलती है। और पिंग की बात की जाए, गेमिंग वालों की बात की जाए, तो पिंग भी जो है 10 MS, सिर्फ मात्र 10 MS जो है मिली सेकेंड मिलता है। और फाइबर कनेक्शन में बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होता है, बहुत ही फास्ट होता है, कोई इसमें ड्रॉप नहीं होता। बारिश, तूफान, आंधी तूफान वगैरह हो जाए तो ज़्यादातर ये इंटरनेट कनेक्शन काम करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शहरों में और शहरों में फाइबर ऑप्टिकल नीचे से डाली जाती है, मतलब ज़मीन के नीचे से, तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर गाँव में बात की जाए तो अगर फाइबर ऑप्टिकल हवा में लटकाई हुई है या किस तरह से आपको प्रोवाइड कराया है फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अगर प्रॉपरली अगर आप फाइबर ऑप्टिकल या आपका ISP सही ढंग से करता है तो इस तरह के लैग लोग और इंटरनेट स्पीड ड्रॉप नहीं होगी और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलेगा। और ADSL की बात की जाए तो उसमें लगभग हमारे को KBPS से लेकर 256 से लेकर 10-15-20 MBPS तक जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्लान आते हैं। और वैसे ही बात की जाए पॉइंट टू पॉइंट वाईफाई की, तो उसमें भी लगभग हमारे को KBPS से लेकर 128 KBPS से लेकर 10-20-40-50 MBPS तक के जो है प्लान मिल जाते हैं वाईफाई टू वाईफाई में। लेकिन अभी जो है नया प्लान आया है, जैसे BSNL के आए हैं, एयर फाइबर के कनेक्शन आए हैं, एयर ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन आए हैं, एयर फाइबर जिसको बोलते हैं, उसमें AC टेक्नोलॉजी के वाईफाई यूज़ है जो 500 MBPS तक वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसमें लगभग 100 MBPS तक जो है आपको प्लान मिल सकते हैं। और अगर आपके घर में या आपके इर्द गिर्द जो है एयर फाइबर आ चुका है BSNL का, या लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो एयर फाइबर के कनेक्शन लगा रहे हैं, जैसे AC टेक्नोलॉजी के जो है वाईफाई कनेक्शन लगा सकते हैं, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में जो है, अभी तो 10-15 MBPS मिल रहे हो, लेकिन फ्यूचर में वो आपको 50 MBPS या 100 MBPS के प्लान भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से आप जो है ये कनेक्शन ले सकते हैं, और उसमें भी आपको अच्छी स्पीड पिंग वगैरह जो है ठीक मिल जाता है, 30-40 MS जो है मिल सकता है, मतलब क्योंकि वो वाईफाई ट्रांसमिशन रहते हैं। वैसे सेम टू सिमिलर टू सिम टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही होता है, लगभग 20-22 MS से लेकर आपको जो है लगभग 50 से 100, 200, 300 MS तक जो है आपको पिंग आ सकता है। डिपेंड करता है आपके कितने DBM सिग्नल है, कितने टावर से आप दूर हैं, और जो आपका टावर है या आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है या BSNL है, वो कितना फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं। और 4G का कौन सा बैंड यूज़र है, कितने MBPS स्पीड उसमें है, कितने यूज़र हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके पिंग पे और आपकी स्पीड पे। तो कितनी स्पीड आएगी 4G कनेक्शन लगाने पर, किस तरह से, किस बैंड पे क्या क्या रहता है, वो सारे डिफरेंस होते हैं। तो कई ऐसे राउटर हैं जिसमें दो दो बैंड इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, जैसे 4G प्लस कई मोबाइल भी आते हैं, 4G प्लस कई कई तो मोबाइल ऐसे हैं जिनमें 5CN की 5 बैंड इकट्ठे तक यूज़ हो सकते हैं, यानी कि 200-300 MBPS तो हम मोबाइल में सिर्फ सिम से टेक्नोलॉजी से ही यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह के मतलब जो है डिवाइसेज आते हैं, इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन आते हैं जिसमें हम वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, और ये स्पीड के वेरिएंट थे सभी के साथ। और जो MBPS इंटरनेट कनेक्शन वाले देते हैं वो एक्चुअली में वही सेम डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं होती हमारी, वो क्या होती है बिट्स
मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, मतलब बिट्स पर सेकंड। जैसे कि एक 8 बिट का एक बाइट होता है, वैसे ही जो है फिर जितना वो Mbps लिखेंगे उसका 8 गुना कम जो है हमारे को स्पीड मिलेगी। लेकिन मान लो अगर 100 Mbps का अगर आपका प्लान है तो लगभग हमारे को 12 Mbps की डाउनलोडिंग अपलोडिंग मिलने वाली है। हाँ, एक डिफरेंस ये भी आता है कनेक्शन में, अपलोडिंग डाउनलोडिंग में भी, अपलोडिंग कितनी मिलेगी और डाउनलोडिंग कितनी मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है आपके सर्विस प्रोवाइडर पे। प्लान भी लिखा होता है अभी कितने रेशो कितने है, 1:1 का मतलब है जितनी डाउनलोडिंग है उतनी ही अपलोडिंग है, वैसे 2:1 या 1:2 या 1:1 ऐसे कुछ होता है, मतलब उन्होंने प्लान में लिखा होता है अभी इतनी डाउनलोडिंग इतनी अपलोडिंग। ज़्यादातर प्राइवेट जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाले होते हैं या ब्रॉडबैंड वाले होते हैं या 4G कनेक्शन वाले होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है अभी, हर एक जो है प्लान में जो है अलग अपलोडिंग अलग डाउनलोडिंग मिलेगी, वैसे ही बैंड में अलग अपलोडिंग अलग डाउनलोडिंग मिलेगी, तो इस तरह से डिफरेंस आता है। लेकिन फाइबर के ज़्यादातर जो कनेक्शन होते हैं उनमें बराबर ही अपलोडिंग बराबर ही डाउनलोडिंग मिलती है। तो हम बात कर रहे थे मेगाबिट पर सेकंड की, तो हमें यूज़ करना था हमारी जो फाइल होती है वो बाइट पर सेकंड होती है, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है जितने Mbps का हम प्लान ले रहे हैं उसके 8 गुना कम जो है हमारे को डाउनलोडिंग अपलोडिंग एक्चुअल में मिलती है, उतनी कॉपी पेस्ट जो है फाइल होती है उस हिसाब से स्पीड मिलती है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसका पूरा ध्यान रखें, ये नहीं सोचें भी अगर 100 Mbps लिखा है तो फाइल भी आपकी 100 Mbps के हिसाब से, जैसे एक ही सेकंड में 100 MB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उसके लिए लगभग 8 सेकंड लगेंगे, ये तो डिफरेंस होता है। 4G प्लान की 4G की इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, सिंपल राउटर अगर आप लेते हैं तो 3,000-5,000 या 8,000 रुपये का मिल जाएगा आपको, अलग अलग कैटेगरी के हैं। लेकिन बात की जाए अगर उसमें एक्स्ट्रा एंटीना वगैरह लगाते हैं तो एंटीना अगर एक एंटीना लगाते हैं तो लगभग 2500 रुपये खर्चा आ जाता है 10 मीटर के तार के साथ, और अगर दो लगाते हैं तो 5000 रुपये के बीच में आपको खर्चा आ जाता है। तो इस हिसाब से आप एक राउटर प्लस एक एंटीने के साथ कोस्ट जोड़ के जो है आप एस्टिमेट लगा सकते हैं भी कितना अगर खर्चा आने वाला है, यानी कि एक राउटर को और एक एंटीना अगर आप लगाते हैं तो 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, अगर दो लगाने हो तो 10 हज़ार रुपये के बीच में अच्छा एंटीना अच्छा राउटर लगा के खर्चा आ जाता है। और प्लान की बात की जाए तो वही है, साल का रिचार्ज करा के 365 GB जो आपको इकट्ठे साल में मिल जाएंगे 2300 रुपये में, और आपको सिर्फ प्लान पड़ेगा वो 12 महीने के हिसाब से देखा जाए, अगर आपका 12 महीने में गुजारा होता है या मान लो आपका 6 महीने में ही गुजारा होता है तब भी आपको सिर्फ वो 400 रुपये पर मंथ पड़ा, जिसमें आपको 365 GB इकट्ठा मिल जाता है, और लगभग आपको हर महीने अगर 365 को डिवाइड किया जाए 60 GB आपको पर मंथ यूज़ करने के लिए मिल जाता है अगर आप 2300 रुपये का रिचार्ज कराते हैं 4G का, तो वो जियो में भी है, एयरटेल में भी है, वोडाफोन वगैरह में भी है, तो वो भी काफ़ी किफ़ायती हो जाता है अगर आपके वहाँ पे 20-30-50 Mbps या 100 Mbps स्पीड आती है या 10 Mbps भी आती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इतने 400 रुपये पर मंथ में भी जो आपको 300-400 GB इकट्ठा मिल जाता है जो कि काफ़ी किफ़ायती है, और नॉर्मली जो 1-2-5 GB यूज़ करते हैं उनके लिए तो नॉर्मल 100-200-300 रुपये का रिचार्ज पर मंथ का मिल जाता है, जिसमें आपको डेली की लिमिट मिलती है। और अब बात की जाए कुछ वाईफाई राउटर्स के बारे में, मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे राउटर्स होते हैं जिनमें लैन 1 Gbps का होता है, यानी कि आप अगर कनेक्टिविटी अपने खुद के राउटर्स की करेंगे तो आपको, जैसे आप 100 Mbps का प्लान ले रहे हैं तो अगर आपका जी लैन जो है 100 Mbps का है तो आपको 100 Mbps मैक्सिमम मिलेगी, कल को आप 150 Mbps का अगर कर देते हैं उसको तो अगर लैन आपकी 100 Mbps की हुई तो आपको 100 Mbps ऊपर स्पीड नहीं मिलेगी, चाहे आप उस लैन से बेशक चाहे 1 Gbps वाला एक और राउटर लगा दो लेकिन तब भी 100 Mbps से ट्रांसमिट होगी, तो दोनों साइड 1 Gbps होना ज़रूरी है। और अगर 100 Mbps से और ज़्यादा अच्छे तरीके से वाईफाई में स्पीड लेनी है तो आपको 5 GHz वाला वाईफाई राउटर लेना पड़ेगा, चाहे वो मेन कंट्रोलर हो चाहे वो एक्स्ट्रा राउटर हो, अगर एक्स्ट्रा राउटर अगर आप 100 Mbps प्लान कर से ज़्यादा लेते हैं तो आपका मेन राउटर भी 1 Gbps वाला होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से 1 Gbps की लाइन निकलेगी और एक्स्ट्रा राउटर में 1 Gbps होगा तो वो वाईफाई में भी 5 GHz में 500 Mbps तक जो है स्पीड दे पाएगा, तो ये भी मेन डिफरेंस आता है। लोग जो है 1,000-1,200-1,500 रुपये में जो है एक राउटर ले लेते हैं जिसमें AC 750 Mbps AC 1200 Mbps लिखा होता है लेकिन उसका लैन जो है सिर्फ 100 Mbps का होता है, तो ये ड्रॉबैक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप 100 Mbps से ऊपर के प्लान लेने वाले हैं वाईफाई में तो आप सिर्फ गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट वाले ही वाईफाई राउटर लीजिए, या फिर अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलिए भी मेरे को जिसमें 1 Gbps वाला लैन हो वो वाला 5 GHz वाला वाईफाई राउटर दो, ताकि आपको 100 Mbps से ऊपर अगर स्पीड चाहिए तो आपको लैन भी 100 Mbps से ऊपर की मिले और वाईफाई भी 100 Mbps से ऊपर का मिले। तो इन सारे वाईफाई प्लान्स और इन सारे खर्चों के बाद जो है बात की जाए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था भी अगर मान लो आप कनेक्शन लगवाते हैं अपने घर में तो उसके फ़ायदे और नुकसान की बात की जाए तो फाइबर कनेक्शन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है उसमें पिंग बहुत कम मिलता है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है और रेगुलर कनेक्शन मिलता है और बहुत अच्छे से चलता है। और बात की जाए अगर ब्रॉडबैंड की और फाइबर की और पॉइंट टू पॉइंट की तो उसमें क्या होता है 10-20 Mbps की स्पीड मिलती है लेकिन प्लान जो है आपको 500 रुपये से 1,000 रुपये तक महीने का देना पड़ता है, फाइबर के मुकाबले जो है ज़्यादा पैसे लगते हैं और स्पीड भी कम मिलती है।
और दूसरी बात की जाए अगर 4G की बात की जाए और 4G में अगर आपको 20-30 Mbps मिलना शुरू हो जाए तो आपको 200 रुपये मात्र या 300 रुपये महीने में जो है बहुत अच्छी स्पीड और अच्छा सेटअप हो सकता है। और लेकिन 4G में थोड़ा सा खर्चा अच्छा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा कनेक्शन यूज़ करना चाहते हैं जैसे 4G प्लस यूज़ करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आती है, तो उसमें लगभग आपको 10-12 हज़ार रुपये खर्चा इंस्टॉलेशन का आ सकता है। तो इस तरह से फ़ायदे और नुकसान की बात की थी हमने। और ADSL और पॉइंट टू पॉइंट में बहुत ज़्यादा सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कभी भी वायर टूट जाएगी तो कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, कभी उनका वायर पीछे से अगर कनेक्शन बंद हो जाता है या उनके UPS वगैरह नहीं होते सर्विस प्रोवाइडर के तो लाइट जाने पर भी जो है कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो इस तरह के ड्रॉबैक्स आते हैं, लेकिन फाइबर में जो है अच्छा कनेक्शन मिल जाता है और अच्छी अपलोडिंग डाउनलोडिंग भी मिलती है, और बाकी जगह जो है थोड़ा सा डिफरेंस आता है बैंड की वजह से 4G में और बाकी जगह सर्विस प्रोवाइडर की वजह से। तो ये फ़ायदे और नुकसान है, और सारे खर्चे हमने बताए, इंस्टॉलेशन चार्जेस बताई, और कैसे आप लगवा सकते हैं, कहाँ बात कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने इस एक वीडियो में बताई। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपना सवाल, और अगर आप इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।